हेलो, वेलकम टू डीएनए। मैं शशांक, मेरे साथ अर्पित और लव मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी न्यूज है जो आपने थंबनेल जिसको देख के आप यहाँ आए हैं कि इन रियल एक एरा का एंड हुआ है, एक बहुत बड़े और बहुत आई थिंक मैं कहूंगा शानदार एरा का एंड हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी ने फैसला ले लिया है दूसरी बार आईपीएल करियर में कि वो अब कप्तानी नहीं करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ यंग सेंसेशन, इंडिया के लिए भी अच्छा परफॉर्म किया है। जब जब बैटिंग पे उतरे हैं 2021 से, जब से सीएसके के लिए खेलना स्टार्ट किया है, आई थिंक 20 से, तब से लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। 21 में ऑरेंज कैप, 22-23 में लगातार ऑरेंज कैप की दौड़ में थे, शतक भी देखने को मिले हमें क्रूशल मैचेस में। उन्हें अब बैटन पास किया गया है कैप्टेंसी का। तो इससे पहले हम आए जो आज का हमारा टॉपिक है, बेस्ट मेमोरीज ऑफ एमएस धोनी एस सीएसके कैप्टन। एक बार रिएक्शन ले लेते हैं जिस तरीके से सीएसके ने ये फैसला लिया है और कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी का ये खुद का फैसला कि कप्तानी अब ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे, वो स्टेप डाउन किए हैं। फर्स्ट थिंग क्या लग रहा है, क्या वो जडेजा वाला हाल ना हो जाए ऋतुराज गायकवाड़ का? जी, मुझे नहीं लगता कि जडेजा वाला हाल होगा गायकवाड़ का, क्योंकि जो गायकवाड़ को हमने ना खाली आप एक जगह ना देखी कि उनके उनकी अभी तक कप्तानी नहीं हुई है। मेनली वो महाराष्ट्र के लिए भी देखे तो वो करते ही है वहां पर भी, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस आज से शुभमन गिल के पास भी नहीं है और एमएस धोनी के पास भी नहीं था। जब 2007 के बाद पहला सीजन हुआ था आईपीएल का, बहुत सारे प्लेयर्स जितने भी हैं, विराट कोहली के पास भी नहीं रहा है कभी एक्सपीरियंस, उन्होंने भी आके कप्तानी करी। तो ये एक एरा तो देखिए चेंज होना ही था। और इसके स्पेकुलेशन मुझे तो ये लगता है कि मेगा ऑक्शन की वजह से हो चुके थे, कि आपको पता था कि अब आपके पास रिटेन 3 ही प्लेयर्स कर सकते हो आगे, अगर आप जाओगे ज्यादातर रूल्स यही रहते हैं, तो उसमें धोनी अपना नाम नहीं चाहेंगे। उन्होंने जडेजा के सिनेरियो में भी यही किया था कि जडेजा को प्रेफरेंस ऊपर दी थी और खुद ने कम सैलरी में रखा था। और अब लास्ट भी अगर हम पिछले आईपीएल की बात करें तो उनका जो लास्ट स्टेटमेंट यही था कि मैं एक सीजन और खेलना चाहता हूँ, कि आपको आपने मुझे जितना प्यार दिया। तो मुझे लगता है कि चेपॉक ही उनका आखिरी मैच होगा और पूरा आईपीएल सीजन भी आपको बहुत मुश्किल होगा कि वो पूरा आईपीएल सीजन दिखे, और दिखेंगे भी तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर दिख सकते हैं। वरना एमएस धोनी अब ये ट्रांजिशन पूरा चाहेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ ही लीड करे और वो अब मैनेजमेंट टीम में अपने आप को देखते हो। लव क्या लग रहा है, फर्स्ट थॉट्स? मुझे लगता है चेंज ही इस वजह से कैप्टनसी हुई, क्योंकि अब अगले सीजन से धोनी हमें नहीं देखने को मिलेंगे, और उसी वजह से धोनी ने गायकवाड़ को इस सीजन उनका ही डिसीजन कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट उनकी मेनली सुनती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ धोनी का है इस चीज में, और गायकवाड़ को पूरे पूरे सीजन धोनी नर्चर करेंगे, कहीं ना कहीं बताएंगे किस तरीके से कहाँ पे क्या फील्ड चेंजेस करने हैं, एक्सपीरियंस ऐड करेंगे जैसा उन्होंने कोहली को गाइड किया था। तो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होगा गायकवाड़ के लिए भी आने वाले सीजन में, बढ़िया करेंगे। तो यही है धोनी का, मतलब मुझे लगता है लास्ट सीजन यही होगा। चलिए, जो भी माही फैंस है उनके लिए जरूर ये बातें थोड़ी सी चुभी होंगी कि लास्ट सीजन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही भी है क्योंकि जिस तरीके से हमने बात भी करी इसके पहले, जो आज हमने लाइव की है, जैसे ये खबर आई थी उसमें भी हमने ये बात कहीं ना कहीं हाईलाइट करी थी कि सीएसके को और भी टीम को सिर्फ सीएसके नहीं आगे देखने पड़ेंगे वो कैप्टेंसी ऑप्शन, जिसके लिए एक बहुत अच्छा सवाल भी था कि वाइस कैप्टन टीम क्यों नहीं अनाउंस करती, जिस तरीके से अभी केकेआर के लिए वाइस कैप्टन नितीश राणा को अनाउंस कर दिया गया पंजाब पिछले साल। किंग्स भी अब आप देख रहे हैं कि जितेश शर्मा ही जितेश दिख रहे हैं शर्मा, फोटो में। वही तो, ये वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस टीम्स लगातार लाई है। लेकिन वापस आते हैं, अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की बेस्ट यादें स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 2008 सबसे महंगे खिलाड़ी बने बिल्कुल आईपीएल में, ड्राफ्ट होने वाले और चेन्नई ने उनको ड्राफ्ट किया। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे कि उस टाइम तो खैर लहर थी वो, कि सचिन को एमआई ने किया और जितनी भी होम टीम है जैसे सहवाग को दिल्ली ने किया, एमएस धोनी गए चेन्नई। तब तक ये चीज कहीं ना कहीं ऐसी लग रही थी कि मतलब रांची का लड़का है, जरूर 2007 में वर्ल्ड कप जिताया था हमें एज अ कैप्टन उन्होंने, लेकिन रांची का लड़का है, नॉर्थ से सीधा आप साउथ में गए। लेकिन उसके बाद 2009 सबसे पहले मुझे लग रहा है एक ब्रेक थ्रू ईयर, फाइनल खेली चेन्नई, 2008 ही पहले ही पहले फाइनल खेली, 2009 में सेमीफाइनल्स खेली थी, आखिरी की हार थी। तो जिस समय पे आई थिंक, क्योंकि सबसे पहली जो मेरी मेमोरी है कि जब वो 2010 में वो जब फाइनल जीते, जी उसके बाद धोनी का वो एक एक मैच में, आई थिंक पंजाब वाले मैच में वो एग्रेसिव वाला इंटेंट दिखा था, जिसमें वो हेलमेट निकाला था। आई थिंक इरफान पठान बहुत महंगे पड़े थे क्योंकि लास्ट ईयर की वो हार चुभी थी उन्हें, कहीं ना कहीं वो लग जी रहा था। तो धोनी के यंग डेज में आईपीएल की अगर आपकी कोई स्टोरी, स्टोरीज देखिए, मेरे को उनका सक्सेसफुल होना हमें 2007 से ही पता चल गया था कि उन्होंने पहला हमें T20 वर्ल्ड कप जिताया, तो 8 में आते ही वो इतने महंगे तो बिक नहीं थे। उसके साथ साथ आप देखिए उनकी कंसिस्टेंसी पे मेरे को कोई सवाल नहीं होता, और इसीलिए उनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैप्टन करते हैं। हम आईपीएल की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑल टाइम इसलिए ही है कि आप 2008 में देखे फाइनल, 2009 में देखे सेमीफाइनल, 2010 चैंपियन, बाकी आप देखे फिर 11 के बाद जो लगातार उन्होंने
चार बार वो फाइनल गए पर हारे, 11 में भी चैंपियन, 11 भी चैंपियन, 11 चैंपियन, 12 में आई थिंक मुंबई से हार का सामना करना पड़ा, 12 में केकेआर से हार के गया, 12 केकेआर, 13 मुंबई और फिर उसका 15 भी मुंबई। तो आप ये तो देखे लेकिन वो फाइनल में जा रहे हैं, मतलब उनको आपके सामने 8 टीमें होती थी पहले, फिर आप जाके अब 10 टीमें हो गई है, लेकिन उन 10 टीमों में 8 टीमों में आपको फाइनल जाना आता है, सेमीफाइनल जाना आता है, तो ये वो एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी की मैं बात करता हूँ। और आपके लीडर में भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप प्लेयर्स आपके चेंज होते रहते हैं, बहुत बार मेगा ऑक्शन हुए हैं, ऑप्शन भी हुए हैं, हर साल ऑप्शन होते हैं, प्लेयर्स आपके चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो भी प्लेयर आ रहा है उसको आप अपने कॉम्बिनेशन में फिट कर रहे हैं। हर प्लेयर जो हम दिखता है कि बाकी वो फॉर्म में नहीं रहेगा, अजिंक्य रहाणे हमने पिछले बार भी बात की थी, तो मुझे यंग डेज की तो ये सबसे बड़ी बात यही लगती है कि उस टाइम पे रविंद्र जडेजा, अश्विन और जिस तरीके के मुरली विजय, ये सब प्लेयर बिल्कुल हम टेस्ट टीम की बात करते थे, कभी इनको T20 में कंसीडर नहीं किया। और माइक ड्वेन ब्रावो, मैथ्यू हेडर, मेरे को याद है स्टार्टिंग में जब हम लोग खेलते थे, इवन गली क्रिकेट सबने खेला है, तो उसमें ये चीज होती थी, भले ही किसी को ना पता हो कोई सीएसके का फैन हो या ना हो, लेकिन सबको पता था कि टीम कैसी बननी है, तो उसमें इसीलिए मेरे को ड्वेन ब्रावो का नाम भी याद है, क्योंकि सीएसके से ही सबसे ज्यादा वो हमने इम्पैक्ट वाला देखा है। ड्वेन ब्रावो, हसी, जैसे हेडन, और बात होती थी कि हेडन ने भी, आई थिंक उनका एक इंटरव्यू आया था अभी, उन्होंने भी उसमें बहुत तारीफ करी थी एमएस धोनी एज अ कैप्टन, वो कैसा है, क्या ऑरा है उनका, तो वो चीजें भी है, जरूर उस पे बात हुई है और सबने करी है। स्टीफन फ्लेमिंग जो उनके खुद के अब कोच है, वो भी तो उनके अंडर लीडरशिप में खेले हैं, तो मतलब उनके अगर एक मतलब एक होता ना कि हर जनरेशन को कैप्टन किया जी, कि वो एक पेड़ है, बर्गर का पेड़, जो मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक बड़ा हो रहता है और लॉन्ग टाइम करियर है उसका, तो उसमें उस उनकी छाया में मतलब अगर हम बात करेंगे तो इंडियन क्रिकेटर्स आपको 50 से ज्यादा दिख जाएंगे, जो आईपीएल टीम्स में भी खेलते हुए दिखे गए हैं और इंडियन टीम में भी खेले हैं, और उसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरऑल जो ओवरसीज प्लेयर है वो भी बहुत ज्यादा ऐसे प्लेयर है जो वहां से नर्चर है। और उसके बाद अब बात करते हैं, पहले चैंपियनशिप जरूर आई 2010 में, उसके बाद 11 फिर चैंपियन, पहले जरूर बहुत अर्ली स्टेज था, 4 ही सीजन हुए थे, लेकिन पहले कैप्टन मैंने रिटेन करी उन्होंने अपनी आईपीएल की वो चैंपियनशिप, और उसके बाद बहुत टाइम लगा मुंबई को, 19 और 20 शायद मुंबई ने जीते थे, तो बहुत टाइम लगा किसी भी कैप्टन को वो चीज दोहराने का, तो वो भी एक अलग इम्पैक्ट, जब तक कि 11 ही वो सीजन था जब वर्ल्ड कप भी आया, तो तब तक धोनी का वो चार्म आ गया था कि लगातार आईपीएल जीतने वाले कप्तान। धोनी हमेशा से कंसिस्टेंट कैप्टन रहे हैं, सीएसके के अलावा कोई और टीम इतनी कंसिस्टेंट आपको पूरी आईपीएल हिस्ट्री में नहीं दिखेगी, उसके पीछे एक रीजन है कि धोनी ज्यादा आप देखते हैं कि अपनी टीम में चेंजेस नहीं करते, जो टीम पहला मैच खेलती है बहुत कोई प्लेयर बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है, तो उसको निकालते हैं, वरना आप वॉटसन वाला अगर आपको सीजन आया तो वॉटसन के जो लीडिंग हो रही थी उसके बाद फाइनल में शतक मारा था, पूरा सीजन उनका खराब किया था, बट धोनी ने उनको बैक किया और वॉटसन ने वो इनिंग्स जो है वो धोनी को डेडिकेट करी, तो धोनी कंसिस्टेंसी को लेके मतलब समझ लीजिए आप इतना सीरियस रहते हैं, आप चाहे टीम की परफॉर्मेंस ले लीजिए, चाहे आप प्लेयर्स को बैक करते हैं, जिस तरीके से रहाणे का मुझे सीजन याद है केकेआर में जब थे कितना खराब उनका परफॉर्मेंस रहा था पूरे सीजन में, सीएसके में आती है बिल्कुल चेंज हो गए, शिवम दुबे बहुत प्राइम एग्जांपल है, आरआर में थे जब तक बहुत खराब परफॉर्मेंस था, उससे पहले आरसीबी में थे 5.5 करोड़ खरीदा था आरसीबी ने, खराब परफॉर्मेंस था, सीएसके में आती शिवम दुबे की इंडिया में एंट्री हो गई, तो आप प्लेयर्स देखिए अब किस तरीके से, दीपक चहर को नहीं जानता था पहले जी, मुकेश चौधरी एक बॉलर जिसको कोई नहीं जानता था, नीरज कोहली आया उनको हालांकि इंजरी की वजह से खेल नहीं पाए, तो धोनी ऐसे कैप्टन है, बद्रीनाथ आपको मेरे को लगता है बहुत ज्यादा हॉल ऑफ फेम पे नाम होगा उनका, हाँ बद्रीनाथ हो गए, मुरली विजय को भी कोई इतना कुछ खास जानता है, लेकिन जिस तरीके से ओपनिंग करवाई तो वो काफी धोनी की कैप्टनसी दिखता है कि कितने ज्यादा मतलब बेहतरीन कैप्टन है। उसके बाद जरूर 2 सीजन लगातार जीते लगातार, पर ऐसा नहीं हुआ कि हम जरूर आएंगे, अभी जो उनका गोल्डन पीरियड चल रहा है उस पे हम जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसा भी नहीं रहा कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर बातें चली है, 16-17 बैन लगा सीएसके पे, वो बहुत सारी बातें आई मैच फिक्सिंग की, स्पॉट फिक्सिंग की, राजस्थान और चेन्नई दोनों बाहर हुई, उसके बाद धोनी को पुणे का कप्तान बनाया गया, उसके अगला सीजन उनके लिए एक सेटबैक ही कहूंगा मैं, क्योंकि 17 में फिर स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया गया पुणे का, लेकिन तब भी फाइनल में थी फाइनल, लेकिन वो कि धोनी को अगर आप अपनी टीम में रख रहे हैं और फिर आपकी वो टीम के कप्तान नहीं है तो जी वो बात थी, वहां पर वो मैनेजमेंट की बात रहती है, उसमें हम ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उसमें भी आप टीम फाइनल में गई और फाइनल में कैसे गई, पहले सीजन में आपने देखा होगा मुझे जो सबसे ज्यादा अभी भी आप आर्काइव जो लोग शॉर्ट्स डालते हैं रील्स डालते हैं जो ट्रेंडिंग में रहता है वो है जो अक्षर पटेल को उन्होंने 24-25 रन ठोके थे एक ओवर में, वो मेरे लिए अभी तक मतलब रहता है कि एक ओवर में 24-25 रन, अब हमें रिंकू सिंह दूसरे मिले उससे बीच में आप देखें तो लास्ट ओवर में 25-26 रन बनाना हलवा नहीं है और किसी ने करके भी नहीं दिखाया है,
तो वो मेरे लिए उस टाइम पे पुणे सुपर जायंट्स में जो सबसे बेस्ट मेमोरी थी मेरे लिए वही मैच था जब उन्होंने अक्षर पर उसमें वो क्वालिफाई नहीं हो पाई थी सुपर जायंट, लेकिन जो लास्ट पारी जो उन्होंने खेली थी अपने कप्तानी में वो बहुत अच्छी पारी खेली थी सुपर जायंट्स के लिए, और उसके अगले सीजन फाइनल में भी गई है टीम। तो ओवरऑल आप कप्तानी ना हो तो उनका उस टाइम पे तो वो पीक पे था कि बैटिंग भी उनकी पीक पे चल रही थी, 2015 में इंडिया में भी काफी अच्छा वो परफॉर्म कर रहे थे ओवरऑल, तो आईपीएल सीजन में भी चेन्नई में नहीं थे, ये इस बात का उनका दुख है क्योंकि ये हमें इमोशन जब वो रोए भी थे, जब आप 2018 में देखे जब वापस आए थे चेन्नई तो जब वो रोए भी थे तो वो इमोशन उनके साथ था, लेकिन अगर हम क्रिकेटिंग एक्सपर्ट या क्रिकेटिंग एनालिस्ट की बात करें तो वो उस टाइम पे भी उनका दिमाग चलता था बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। लव अब वापसी बात आया 2018 में जिसकी बात भी करी हमने, फाइनल में शेन वॉटसन का शतक जो आया कि लगातार 2 साल के बैन के बाद आई और बहुत सारी चीजें गई, डैडीज आर्मी तभी नाम हुआ था कि सारे जो प्लेयर्स है वो 35-36 प्लस हैं और ऐसे में कैसे टीम जीतेगी, क्या होगा, कैसे टीम आगे चलेगी, बहुत कम युवा लड़के थे उस टाइम 2018 की चेन्नई में, लेकिन वापस 2 साल के बैन के बाद वापसी आई और सीधा फाइनल जीता। वो जो वॉटसन वाली इनिंग की बात कर रहे हो उस वजह से मैच हार गई थी जो लास्ट मलिंगा ने शायद को जी वो तो 2019 का 18 की 18 में जीते थे, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था थ्रू आउट द आईपीएल, उसके बाद फिर 21 में भी शायद के गैप आ रहा था जो क्या था लगातार 7 मैच जीत के क्या आ रही थी, उसके बाद 19 के बाद 21 में जो लोग आईपीएल जीते 19 में तो हार गए थे, 21 में जो आईपीएल जीते उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, स्टार्टिंग से ही फॉर्म में थी, उसके बाद फिर एंड में भी आपने देखा धोनी की जो कंसिस्टेंसी रही कैप्टनसी में बिल्कुल चेंजेस नहीं करे, मिनिमम चेंजेस रहे उस सीजन में भी, लेकिन मेरे को डोमिनेशन अगर मैं बात करूँ ना कि दो हम इसको ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि एक बिफोर बैन और एक आफ्टर बैन, मुझे जो बिफोर बैन वाली टीम थी ना उसका एरा मुझे ज्यादा पसंद था। हाँ, कोई हम ये चीज कह सकते हैं कि बिफोर बैन वाली जो चेन्नई है भले उसमें ट्रॉफी दो है लेकिन वो ज्यादा कंसिस्टेंट ज्यादा डेंजरस लगती थी, आफ्टर बैन में ज्यादा तेज है क्योंकि 3 ट्रॉफी आ गई आफ्टर बैन, अनप्रेडिक्टेबल रही है वो एक ही आफ्टर बैन 5 साल में 3 ट्रॉफी जीती है, कि बिफोर बैन आप 2 ट्रॉफी जीते हैं लगातार सीजन खेले आप फाइनल फाइनल में हार रहे हैं लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो डोमिनेंट सीएसके थी क्योंकि एक खौफ था पता था कि आएगी, आफ्टर बैन 5 सीजन हुए 3 ट्रॉफी जीती है चेन्नई लेकिन फिर भी वो खौफ नहीं लग रहा है, चुपचाप आगे ट्रॉफी ले जाती है आगे से क्वालिफाई होगी प्लेऑफ में उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद तो धोनी को देखिए फॉर्मूला उनको पता है कि कैसा फाइनल में जाने है उसके बाद कोई क्योंकि देखिए आफ्टर बैनिंग वो भी वाई की सीएसके 2 साल नहीं कर पाई कि 18 जीती 19 में फाइनल हारे 20 में क्वालिफाई नहीं कर पाए 21 जीते 22 में क्वालिफाई नहीं कर पाए और 23 जीते जी। मतलब उतार चढ़ाव भी ज्यादा कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है टीम में, लेकिन ज्यादा अगर हम कहें ट्रॉफी वाइज तो बहुत शानदार टीम रही है, लेकिन मैं एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पोस्ट बैन जो सीएसके थी वो ज्यादा लीथल कहीं ना कहीं थी, पोस्ट बैन नहीं बिफोर बैन, बिफोर बैन। अच्छा अब बात करते हैं इससे पहले हम ये सेशन को रैप अप करें, लव बेस्ट मेमोरी ऑफ धोनी, मैं आपको वो दे देता हूँ, मेरे पे ऑप्शंस भी, अगर आपको और भी कुछ लगे दोनों के लिए ऑप्शंस है, अगर आपको और भी कुछ लगे तो आप जरूर बताइए, पहला जो हो सकता है जो बेस्ट मेमोरी है वो है फर्स्ट एवर आईपीएल, बहुत कोई हो सकती है कि फर्स्ट एवर आईपीएल जीते, दूसरा हो सकता है 2009 का आईपीएल क्योंकि आपने अपनी ट्रॉफी को रिटेन किया है 2010 हाँ 2010 जी 10 और 11 ना तो 10 में पहली बार जीते 11 में दूसरी बार जीते रिटेन किए अपनी उस पोजीशन को, उसके बाद आई थिंक 2018 2 साल के बैन के बाद आए वो सारे इमोशन जुड़े हुए थे वो फैंस की अरमानों का बैगेज था, और उसके बाद आई थिंक चौथा हो सकता है अभी जिसमें पहली बार धोनी के इमोशंस दिखे जब जडेजा ने वो फाइनल में 2 पे 10 मारे और वो आंसू भी लिटरली दिखे, अगर ये 4 मोमेंट्स है जो मेरी तरफ मेरे को लग रहा है कि बड़े मोमेंट्स है, अगर और भी कोई है तो जरूर उसको लाइए, लेकिन अगर इन क्या लग रहा है इन चारों में से बेस्ट मोमेंट आपके लिए धोनी का कौन सा? देखिए मेरे लिए 2 मोमेंट्स बहुत ज्यादा मतलब टचिंग देखिए, एक तो जब सीएसके पर से बैन हटा था उस टाइम भी धोनी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब वो सीएसके के बारे में बात करते इमोशनल हो गए थे, उसके बाद जडेजा को अगर आपने देखा 2022 में कैप्टनसी मिली थी उस टाइम काफी सुनने में आ रहे थे कि जडेजा और धोनी के बीच में नहीं बन रही है कुछ मैनेजमेंट चीज, मगर उसके बाद जडेजा धोनी ने जिस तरीके से कैप्टनसी वापस मिली उनको दी गई जिस तरीके से, उसके बाद जब जडेजा ने फाइनल मैच जिताया क्योंकि पूरे थ्रू आउट सीजन वो भी जडेजा का बहुत खास नहीं रहा था तो सब कहे जडेजा को ऊपर भेजना चाहिए नीचे भेजना चाहिए सब चल रहा था, लेकिन तब भी जडेजा ने जो मैच जिताया फाइनल में उसके बाद धोनी ने जिस तरीके से उनको उठाया वो एक बहुत ही अच्छी मेमोरी थी। मेरे लिए भी सबसे खास मैं क्रिकेट एक्सपर्ट की तरह भी देखूं या इमोशन की तरह भी देखूं तो मेरे लिए पिछली बार का जो आईपीएल था वो अभी तक की बेस्ट मेमोरी है, और धोनी के लिए भी मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा क्लोज होगी उनके वन ऑफ द बेस्ट होगी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम भी हम भूल जा रहे हैं आईपीएल के बीच में कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बड़ा काम किया है,
तो आईपीएल में देखूं तो सबसे बेस्ट मेमोरी था रोमांचक मुकाबला, 2 बॉल में 10 रन चाहिए और आपके मैच जिता रहे, और जिस तरीके से फिर जडेजा भागते हुए उनके पास गया और उनको हग किया था, और वो दिख रहा था इमोशनल, जो कि हमें धोनी बहुत ही लिटरली आज से दिख, हाँ कि काम एंड कूल दिखते, लेकिन उस टाइम पर इमोशंस वो आए बाहर तो। और पूरा अगर आप आईपीएल भी आप पिछला उठा के देखें तो जिस तरीके से हर जगह आपके लिए होम सीजन जैसा फील हो रहा है कि आप होम में खेल रहे हैं, तो उस नजरिए से देखूं तो वो पूरा आईपीएल बहुत स्पेशल था, और लास्ट में आपके लिए एक चेरी ऑन द केक हो गया कि आप आईपीएल की ट्रॉफी भी जीती। उस मैच में भी लोग कह रहे थे कि धोनी का बहुत कंट्रीब्यूशन था, मगर धोनी का अगर सब याद करें तो शुभमन गिल को जो उन्होंने विकेट कीपिंग करके स्टंप करा था जी, वो मतलब शुभमन गिल बहुत बेहतरीन सीजन था उनका पूरा, वो बहुत ज्यादा रन मार रहे थे। क्वालिफाई 2 में आरसीबी के खिलाफ शतक मार के आए थे और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उनका एक स्टंपिंग करना उनकी, वो भी कितने कम सेकंड में रिएक्शन टाइम उन्होंने देखा था, कितना कम था उसका, तो वो अपनी तरीके से हर इंसान कंट्रीब्यूट करता है, धोनी ने उस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, और कैप्टेंसी के थ्रू जितना धोनी कंट्रीब्यूट करते हैं उतना मुझे लगता नहीं कि आईपीएल की बाकी टीम से वो कंट्रीब्यूट कर सकता है जी। तो चलिए मेरे यहाँ पैनल में तो मेरे को लग रहा है 2023 की जो जीत है वो ज्यादा वो कर रही है, मेरे को थोड़ा अलग लग रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि 2018 है मेरे लिए जरूर, कि वो धोनी के वो इमोशन दिखे वहां पे, वो आंसू आए, और इसीलिए वो फेवरेट मूवमेंट, मतलब कह सकते कि बहुत ज्यादा फेवरेट मूवमेंट्स में वो जरूर वो चीज होगी, लेकिन मेरे को लग रहा है जो 2018 वाला बैगेज था टीम के ऊपर वो मुझे लग रहा है ज्यादा कहीं ना कहीं एक मूवमेंट होगा, रिलीफ वाला मूवमेंट होगा, क्योंकि जरूर हमने बात करी कि पोस्ट बैन अब 5 में से 3 ट्रॉफी उठा चुके हैं, लेटर इन दिस स्टेज है धोनी पे 2023 में खोने के लिए कुछ नहीं था, अभी बात करी हमने कि हर ग्राउंड उनके लिए होम ग्राउंड है, पैक्ड पीला समुंदर आ रहा है, तो मेरे को ऐसा लगा कि 2023 में धोनी पे कुछ खोने को नहीं था कोई भी चीज, और वो कहीं ना कहीं एक वो ब्रिलियंस हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस ज्यादा थी, क्योंकि जडेजा के वो 2 बॉल पे 10 रन तो वो वाला एक मोमेंट था, और वहां पे फिर धोनी का इमोशन हो, लेकिन 2018 मुझे लग रहा है मेरा फेवरेट मोमेंट है वो, जरूर वहां पे वो इमोशंस वैसे नहीं दिखे जैसे 2023 में दिखा था, क्योंकि सीएसके 2 साल बैन आप पे हर जगह से सवाल उठ रहे हैं, आज तक वो सवाल उठते हैं चेन्नई पे कि वो जोक्स बनते हैं मीम्स बनते हैं कि वो 2 साल आरसीबी वो सीएसके कहां थी, क्या जर्सी थे, वो ऑन एंड ऑन वो बनते रहते हैं मीम्स, लेकिन 2 साल बैन लगा, आपकी टीम वापस आई, हर एक्सपर्ट हर कोई ये कह रहा था कि अब ये टीम टूटेगी, अब ये टीम बैक नहीं कर पाएगी, अब ये टीम वापस खड़ी नहीं हो पाएगी, ट्रोल्स हर चीज धोनी के अपोजिट जा रही थी उस सीजन में, वहां पे आपने शेन वॉटसन को जिस तरह से वो बैक किया गया कि पूरा सीजन अच्छा नहीं गया था, आई थिंक 180 के आसपास वहां भी हैदराबाद ने लगा दिए थे, और उसमें भी फिर केन विलियमसन की कप्तानी दूसरी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे हार्दिक पांड्या यंग कैप्टन टैक्टिक्स में धोनी से कहीं ज्यादा कम है अभी भी, और इवन इंडिया का तो कोई भी कैप्टन टैक्टिक्स में धोनी के आगे तो नहीं है, लेकिन वहां पे केन विलियमसन, जरूर वो ट्रॉफीज नहीं है उनके पास, लेकिन टैक्टिकली कहीं ना कहीं, और क्योंकि काम एंड कंपोज है वो सेम स्टाइल है, तो एक अच्छे कप्तान के खिलाफ उसकी टीम को 180 उसके खिलाफ चेस करना और वो भी डोमिनेट करके, तो लेकिन मैं बस एक बात इसमें ये करना चाहूंगा कि एक एल क्लासिको है सीएसके वर्सेस एमआई का, उसमें एमआई ने जो चूक जो कर लिया ना, 2 बार चूक की है वो एक पुणे सुपर जायंट्स वाले में, धोनी की बात कर रहा हूँ मैं, सीएसके के उससे भी ज्यादा, कि एक बार तो उन्होंने जो मिचेल जॉनसन ने करके दिखाया था उनके लिए, फिर मलिंगा ने जो करके दिखाया था, तो 2 बार एक बार ऐसा हो चुका है कि जो एमआई है वो डोमिनेट कर चुकी है और टाइटल उनके हाथ से छीन चुके, और वो ये कि थोड़ा सा तो लक फैक्टर भी था, अगर मैं एक और बार 19 वाला का, क्योंकि जिस तरह से वो मलिंगा का लास्ट में शार्दुल ठाकुर को एलबीडब्ल्यू था जी, सीएसके पे रिव्यू नहीं था, कोई भी एमआई फैन हो नाराज ना हो, आपकी टीम वो कब जीत चुकी है, लेकिन वो ये कि बाली खाल वाली बात है कि वो रिव्यू नहीं था, अगर वो होता तो वो थोड़ा सा पहले, तो पहले आप बात करेंगे, पहले आप बात करेंगे 2008 में तो डीआरएस था ही, हां मतलब वही कि थोड़े से वो बाली खाल वाली बात है, लेकिन स्टिल मेरे को लग रहा है कि मेरे हिसाब से 2018 वाला ज्यादा रिलीफिंग मूवमेंट होगा, जरूर वो इमोशंस अब आए, क्योंकि अब धोनी को भी पता है कि वो स्टेज अब खत्म हो रहा है, वो कभी ना कभी वो कॉल ऑफ करना पड़ेगा, अब जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ को वापस, अगर हम टॉपिक पे आए, वापस ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, हम चाहते हैं अच्छा करे, सूर्य कुमार यादव बींग एन एमआई प्लेयर, उनकी तरफ से वो स्टोरी आई, बहुत अच्छा लगा वो देखने में कि कांग्रेचुलेट किया है, और लगातार वो बोला है कि उन्होंने बोला है कि आई नो कि यू हैव बिगर शूज टू फिल, बट एक दूसरे मतलब वही की जरूर आप इंडिया इंडियन प्लेयर है, आपको इंडियन साथ ही खेलना है, क्योंकि एक खेमा वही उन्हीं का खेमा है जहाँ पे वो लगातार इंडियन प्लेयर्स के बीच वो टक्कर आप दिख रहा है, जरूर कल एमआई ने वो वीडियो पोस्ट करी वहाँ पे रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वो लगा मतलब वो नहीं लगाती वो चीज नजर आ रही थी, हाँ कि वो जस्ट कैमरास के लिए कर दो, ताकि बहुत सारी स्पेकुलेशन थी
ऋषभ पंत की भी बात हो रही थी कि अगले एक सीएसके के कप्तान वो हो सकते हैं, रोहित शर्मा सीएसके, तो जितने जो रूमर्स थे ना उनको आंसर मिल चुका है कि गायकवाड़ को इसलिए चुना गया है कि अब वो कोई और कप्तान नहीं देख रही है सीएसके कि अब जो बात हो रही थी ना कि रोहित शर्मा आ जाएंगे, पंत आ जाएंगे, बहुत मीडिया हाउसेस में भी अलग अलग फैंस भी बात कर रहे थे, तो उन सबके लिए एक सिंगल स्टेटमेंट आज आ गया और ये सीजन से पहले आया है, तो वो जो इमोशन है ना मुझे लगता है सीएसके अपनी तरफ और चाहती है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, जडेजा कप्तान बने थे जी, लगातार 5-6 मैच हार का सामना करना पड़ा जी, ऑल दो मैं अभी भी सोचता हूँ वो टीम का गलत कॉल था, लेकिन बीच टूर्नामेंट में आपने उस कप्तान को हटाया, धोनी को वापस कप्तानी लगा, अगर इस बार खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है ऋतुराज गायकवाड के साथ, क्या आप चाहते हैं टीम ने जो अभी फैसला लिया है उसको बैक करे? वही होगा फिर, वो एक गलती मेरे को नहीं लगता सीएसके दोबारा करेगी कि आधी बार में फिर किसी और को कप्तानी देगी, क्योंकि उसके बाद जडेजा की परफॉर्मेंस भी डाउट था, अगर पिछला सीजन नहीं जीती होती ना सीएसके तो इस वक्त बहुत ज्यादा हड़बड़ी भी होती कि हमें सीधा, क्योंकि वो रिडेप्शन है, वो कन्विंसिंग विन नहीं है, वो जडेजा की वो है कि चलिए वो लग गए, वो 2-10 मोहित शर्मा ने पूरे सीजन आग उगली है जी, लास्ट की 2 बॉल वो जडेजा का ब्रिलियंस और वही रिडेप्शन था भी, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल लव ने सही कहा आपने स्टार्टिंग में बात करी कि मैनेजमेंट से लगातार जडेजा के टकराव, उसी के बाद ये हुआ कि एमएस धोनी ने अपनी सैलरी कम करवाई कि जडेजा को ज्यादा पैसे मिले, और क्योंकि कहा जा रहा था कि जडेजा हो सकता है सीएसके से बाहर हो जाए, और जो कि मतलब लग भी रहा था क्योंकि 20 सीजन आपने उनपे कप्तानी का भार दिया, जरूर वो कम भी आया था, हाँ वो खराब हुई हो सकता है, वही कि अब ऐसी टीम मान लीजिए तो रहा है कि अब जडेजा नहीं रुकेंगे, मुझे भी लगता है मेगा ऑप्शन है अगले साल जडेजा का, मुझे मुश्किल लगा है कि गायकवाड़ कैप्टन ना देगा, मतलब एक तो गायकवाड़ हो गए, दो आप रिटेन कर सकते, तीन एक कर सकते, और अगर आप इंडियन टीम कर सकते और एक फॉरेन भी कर सकते, राइट टू मैच भी है उसके बाद आपकी टीम, तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो मुझे लग रहा है कि रचिन रविंद्र अगर उनका ये पूरा सीजन अच्छा जाता है तो वो दूसरे मैच हो सकते हैं, क्योंकि वो भी यंग प्लेयर है और ऑलराउंडर है, वो उनके पास एक ओवरसीज की वो भूमिका पूरी निभा सकते हैं, और कोई मुझे अभी अभी जो लिए हैं उन्होंने सभी रिजवी इमर्जिंग प्लेयर्स काफी लिए, लेकिन सीएसके मुझे नहीं लगता 2 से ज्यादा अब धोनी के जाने के बाद वो टारगेट करना चाहेगी, वो अपने पैसे बचाना चाहेगी और ऑक्शन टेबल में पूरा खुला जाना चाहेगी। लव इज दिस द लास्ट सीजन? आई थिंक सो, ये लास्ट सीजन है धोनी का, क्योंकि अब सीधी सी बात है कैप्टनसी चेंज करी, सीधा मैसेज सीएसके ही देना चाह रही है कि अब धोनी से आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट सीजन जी बिल्कुल, लास्ट सीजन ये अब फाइनल हो ही चुका है, इस स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट नहीं आता तो हम ये सब रूमर्स में बात करते, लेकिन अगर हम स्पेकुलेशंस जो बिल्कुल अब जा रही है, एक होता है ना कि एक ने एक चीज से अगर हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो दिख रहा है कि ये चेपॉक में जो उनका मैच है ये उनका आखिरी मैच होगा होम ग्राउंड पे खेलने का, तो उस नजरिए से देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये लास्ट सीजन है भी, और कल आपको वो इमोशंस दिखेंगे भी, बहुत सारी चीजें कल बयां हो भी जाएंगे जिस तरीके से, लेकिन वो इन एंड आउट अब वो चाहेंगे कि गायकवाड़ को वो पूरा रेडी करके जाएं, क्योंकि वो सीएसके को खाली ये नहीं देखना चाहते कि मेरे ही राज में आगे बढ़े, मैं ना हूं तो बहुत पीछे रहे, तो वरना वो इस सीजन भी आपको करते हुए देखते, अगर वो सेल्फिशनेस होती तो वो इस सीजन भी देखते, तो सेल्फिशनेस नहीं है लेकिन मजबूरी कह लें आप और वो करंट सिनेरियोस कह लें, उस वजह से मुझे लगता है कि अब एमएस धोनी आपको लास्ट सीजन में परफॉर्म करते देखेंगे, कैसा परफॉर्म करते वो तो पूरे सीजन में पता चलेगा, लेकिन फैंस बता सकते हैं कि उनके लिए कौन सा सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है अभी तक, क्योंकि दर्शक भी अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो उनके लिए एक ना एक फीलिंग हमारी तो आपने जान ही ली, लेकिन उनकी भी एक ना एक फीलिंग होगी जो धोनी के साथ जुड़ी हुई होगी, वो आईपीएल के वो बता सकते हैं। सो हमने बात करी आपने जिस चीज के लिए इस लाइव को इस सेशन को ज्वाइन किया था, बेस्ट मोमेंट्स ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, 4 उसमें हमने हाइलाइट्स किए, लेकिन 2023 की विक्ट्री और 2018 का वो रिडेम्पशन धोनी की जो बेस्ट मोमेंट्स है, मैच मेमोरीज है, उसमें जरूर आएगा। फैंस के लिए अच्छी बात भी कह सकते हैं कि उनको एक नया हो सकता है अच्छा कप्तान मिल जाए, लेकिन एक बुरी खबर भी है कहीं ना कहीं कि हो सकता है ये धोनी का लास्ट सीजन हो, डेफिनेटली नॉट हम चाहेंगे लेकिन ऐसा हो सकता है, ये चीज स्पेकुलेशन बन रही है। फैन से हमारी यही दरख्वास्त है, अगर आप जा पा रहे हैं देखने, खासकर अगर आपको सीएसके की वो टिकट्स मिल रही है जो कि बहुत मुश्किल है मिलनी, जरूर जाइए, हो सकता है लास्ट सीजन हो, आखिरी मौका हो आपके पास आईपीएल देखने का, धोनी को आईपीएल में देखने का, तो जरूर जाइए। डीएनए के साथ भी लगातार आईपीएल आप फॉलो कर सकते हैं, पूरी एक्सक्लूसिव कवरेज रहेगी डीएनए पे भी, तो सब्सक्राइब कीजिए वाईटी चैनल को, फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जरूर पेज को लाइक कीजिए, डीएनए हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही। डीएनए ने अपना ऐप भी डाउनलोड कर दिया है सारे अपडेट्स के लिए,
आप वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी वीडियोस है, जो भी अपडेट है वो आपको वहां पे सबसे पहले मिल जाएगी। और धोनी लास्ट सीजन हार्ड लक हार्ड मेमोरीज, ऋतुराज कप्तान है, अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट है कि ऋतुराज कप्तान है सीएसके के लिए, और ट्रूली एंड ऑफ एन एरा, क्योंकि नहीं है रोहित शर्मा कप्तान मुंबई के, नहीं है कप्तान आरसीबी के विराट कोहली, और अब सीएसके के भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। फॉलो कीजिए आईपीएल को, डीएनए को, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, और आईपीएल के लिए हमने जैसा कि बताया एक्सक्लूसिव कवरेज डीएनए पे हमारे साथ लगती रहेगी हर मैच में, प्री शोज, फैंटेसी इलेवंस, लाइव प्री मैच, पोस्ट मैच एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, ये सारी चीजें, सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो डीएनए को कर लीजिए सब्सक्राइब। टिल देन थैंक यू।